चटपटी सी चाउमीन, न ठेले वाली न रेस्टोरेंट वाली, ये है एकदम मेरे अंदाज वाली, एकदम मजेदार सी। इसका कलर और टेक्सचर देख के आपके मुंह में पानी आ गया होगा, डैम श्योर। आप एक बार इस रेसिपी को पूरा देखेंगे और इस तरीके से चाउमीन बनाएंगे ना, तो बार बार इस रेसिपी से ही आप चाउमीन बनाएंगे। इतनी टेस्टी बनती है, आप एक एक चाउमीन को देख सकते हो कितनी खिली बनी है। कलर देखो आप इसका, बाजार से भी अच्छा कलर आया है। क्या डाला है, क्या सीक्रेट है, कैसे बनाई है, वो रेसिपी को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी। बहुत मज़ेदार सी चाउमीन की रेसिपी है, मिस मत करिएगा। अगर मिस कर दिया ना तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है मेरे अंदाज में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चाउमीन को बॉईल करना, बहुत ट्रिकी होता है। अगर एक बार अच्छे से बॉईल कर ली ना तो हमेशा के लिए सीख जाएंगे। तो सबसे पहले पानी गर्म करने रख दिया, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। पानी देखिए हल्का बॉईल हो गया। अब मैं यहाँ पे चिंक्स की चाउमीन ले रहे हैं, आप कोई भी चाउमीन ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैंने चाउमीन, जब पानी हल्का अच्छा गर्म हो चुका है, बॉईल होने को है, तभी मैंने इसमें चाउमीन डाल दी है। और चाउमीन डालने के बाद देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पलट लेना है और लगभग आपको इसे बॉईल करना है 2 से 3 मिनट के लिए। बीच बीच में आप इस तरीके से चलाएंगे और चेक करते रहेंगे। चाउमीन ज़्यादा बॉईल नहीं होनी चाहिए। अभी ये हल्की सी हाथों से दबा के देख रही हूँ तो अभी ये कच्ची है, तो लगभग 30 सेकेंड के लिए मैं और इसको इसी में छोड़ देती हूँ। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम से हाई के बीच में ही रहेगी। और देखिए मैं चेक कर रही हूँ, बढ़िया से परफेक्टली कुक हो गई है। लगभग आपको 80 से 85% ही से कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज चाउमीन जो है चिपक जाएगी। और ये जो इस तरीके की स्ट्रेनर होता है, इसमें हम चाउमीन को इस तरीके से निकाल लेंगे। तो सारी चाउमीन को स्ट्रेनर में डालने के बाद आपको ये इम्पॉर्टेंट स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। हमने लिया है एकदम ठंडा पानी, जो नॉर्मल टैब में आता है, नल में आता है, वो पानी लिया है। और इस तरीके से आपको इसे धोना है चाउमीन को। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे टैब के नीचे रख के भी धो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 बार नॉर्मल या ठंडे पानी से इसे वॉश करना है। इससे क्या होगा, इसका जो स्टिकी सा स्टार्च होता है ना, वो निकल जाएगा। और चाउमीन आप कितनी भी देर रखे रहेंगे या दूसरे दिन भी बनाएंगे ना, तो भी आपकी खिली खिली ही रहेगी, चिपकेगी नहीं। और 2 से 3 बार वॉश करने के बाद मैंने इसके ऊपर डाला है 1 से 1.5 स्पून ऑयल, और इसे हाथों से अच्छे से हम सब में फैला लेंगे। इस तरीके से आप हाथों से सारी चाउमीन में मिक्स कर लीजिए। एक शिमला मिर्च लिया है, उसको हमें इतने बड़े बड़े स्लाइसेस में पतला पतला कट कर लेना। आप देख सकते हो मैंने कितने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। तो चॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है चाउमीन के लिए। यहाँ पे लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, और इस तरीके से आपको देखिए नाइफ की हेल्प से रफली चॉप करना है। बहुत बारीक चॉप नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये चाउमीन में आती है ना इस तरीके से, तो बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे हरा प्याज लिया है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो काट के अलग कर दिया है, और इसे भी हमने रफली चॉप किया है, मोटा मोटा। आप जैसे चॉप करना चाहें, इस तरीके से देखिए मैंने रफली चॉप कर लिया। इस पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, वाइट पार्ट को। अब ये जो हमारा ग्रीन पार्ट है ऑनियन का, इसको भी हम चॉप कर लेंगे बारीक बारीक सा। तो डिपेंड करता है क्वांटिटी सब्जी की, आप कितना डालना चाहते हैं। मैंने 1 शिमला मिर्च डाली है, और कुछ ग्रीन ऑनियन लिया है, और गाजर है, मैंने 1 गाजर को भी लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे पत्ता गोभी है, तो पत्ता गोभी को भी हम इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए आप, बढ़िया से हमारी पत्ता गोभी भी चॉप हो गई है। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और यहाँ पर जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। यहाँ पे तेल को हमने इस तरीके से पूरे इसमें वॉक में फैला लेना है। आप चाहे तो कढ़ाई वॉक जो भी जिसमें भी बना रहे हैं, तेल को पहले फैला लीजिए, और धुआं आने तक आपको तेल को गर्म करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, अदरवाइज चाउमीन जो आपकी चिपकी चिपकी हो जाएगी। तो ये देखिए इसमें हमने डाला है ऑनियन, हमने डाला है इसमें गार्लिक। तो गार्लिक को हमने अच्छे से गुलाबी हो जाना है। पहले गार्लिक को एकदम खुशबू आने तक सौते कर लीजिए आप, लगभग 30 सेकेंड। उसके बाद हमने इसमें डाला है शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। तो मैं पूरा चाउमीन एक बार के मैं नहीं बना रही हूँ, हाफ हाफ करके बना रही हूँ। कभी भी आप चाउमीन बनाएं तो पूरा एक बार के मैं बल्क पे मत बनाइए। और फिर साथ में जो हमने ग्रीन ऑनियन है, पत्ता गोभी है, गाजर है, और वाइट ऑनियन पार्ट है, ये सारा कुछ डाल के हमने टॉस करना है। देखिए इस तरीके से टॉस करके हाई फ्लेम पर आपको सब्जियों को लगभग सौते करना है,
30 सेकेंड से 60 सेकेंड तक के लिए। फिर बीच बाद में आप इसमें हल्का सा करछली से चम्मच से इस तरीके से चला सकते हैं, बट ज़्यादा कोशिश करिएगा चम्मच कम ही सब्जियों में लगाइएगा। लगभग एक मिनट सौते करने के बाद हाई फ्लेम पर, उसके बाद हमने इसमें डाल दिए चाउमीन। और ये है हमारा सीक्रेट, ये है हमारी चुकंदर बीटरूट, इससे चाउमीन का कलर बहुत अमेजिंग आएगा। एक बार डाल के देखिए, बाजार से भी अच्छी चाउमीन घर में तैयार होगी और साथ में टेस्ट भी बहुत अमेजिंग आएगा। यहाँ पे सॉस देखिए मैं बाद में डाल रही हूँ, चाउमीन के बाद ऊपर से डाल रही हूँ मैं। यहाँ पे डाला मैंने 2 स्पून करीब सोया सॉस, 1 स्पून करीब विनेगर डाला है, साथ में डालेंगे 1 से 2 स्पून, जितना भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, चिली सॉस। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 स्पून चिली सॉस, 1/2 स्पून करीब हमने डाला है सेजवान सॉस और 1 स्पून 2 स्पून करीब हमने डाला है टमाटो सॉस। सारे सॉस को डालने के बाद जैसे बाजार वाले मिक्स करते हैं उसी तरीके से आपको मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे जो रोटी सेकने वाला चिमटा होता है ना उससे आप मिलाइए, आप चम्मच कलछली से मत मिलाइएगा, या तो आप फोक की हेल्प से भी मिला सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ हल्के हल्के, आपको इसी तरीके से मिलाना है, गैस की फ्लेम को हाई रखना है। नमक मैं सबसे एंड में डाल रही हूँ क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता है, तो सबसे एंड में थोड़ा सा नमक डाला है मैंने 1/4 स्पून के करीब। और नमक डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, गैस की फ्लेम को पूरी प्रोसीजर के दौरान आपको हाई रखना है। लो फ्लेम पर चाउमीन कभी नहीं बनाई जाती है, तो ये टिप आप याद रखिएगा। और चाउमीन को चलाते हुए आपको इसे अच्छे से पकाना है, क्योंकि चाउमीन जितना आप अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे, फ्राई कर सकते हैं मतलब आप जितना इसमें सौते करेंगे ना, ये देखिए चलाते हुए, उतना ही इसमें अमेजिंग टेस्ट आएगा सॉसेस का। और जो कढ़ाई पर ये पकती है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो थोड़ा सा आपको 1 से 2 मिनट इसको इसी तरीके से हाई फ्लेम पर मिलाते हुए, आपको अच्छे से टॉस करते हुए पका लेना है चाउमीन को, तभी आपकी चाउमीन बाजार से भी अच्छी बनेगी। कलर देख सकते हो आप कितना अमेजिंग आया ना, कितनी आसान सी चाउमीन है। बट छोटे छोटे जो टिप हैं, जो सीक्रेट हैं, अगर आपने रेसिपी को देखा है ना तो आप इस चाउमीन के दीवाने हो जाएंगे और तुरंत बनाने के लिए जाएंगे। ये देखिए आप, बाजार में भी ऐसा कलर आपको देखने नहीं मिलेगा, बाजार वाले जो है ना वो कलर डालते हैं इसमें, बट हमने घर में ही कितना अमेजिंग चाउमीन बना के तैयार किया है गाइस। बच्चे इसको एक बार खाएंगे ना तो बार बार डिमांड करेंगे। तो चलिए फटाफट से 1 मिनट बाद इसे पकाने के बाद सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, और एकदम मज़ेदार सी चटपटी सी, इसमें मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली है क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन चिली सॉस डाला है हमने। आप चाहें तो इसमें रफली चॉप करके ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं। और ऊपर से हम इसे सर्व करने के बाद ऊपर से आप इसे ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन से सर्व कर लीजिए। तो देख रहे हैं ना, एक एक खिली खिली चाउमीन बनी है, सारी सब्जियों वेजिटेबल भी कितनी अमेजिंग दिख रही हैं, बहुत क्रंची है सब्जियाँ। सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करिएगा क्योंकि चाउमीन में सब्जियाँ जो है ना क्रंची होनी चाहिए, तभी खाने में मज़ा आता है। तो एक बार रूपालीस के अंदाज में बनाइए चाउमीन को और इस रेसिपी को एंजॉय करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे।